हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईडी टेक्स। दोस्तों, इस दिवाली में आपको व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह से तरह तरह के स्टिकर्स आए होंगे। वैसे तो व्हाट्सएप के अंदर आपको व्हाट्सएप स्टिकर्स डाउनलोड करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आप प्ले स्टोर से भी व्हाट्सएप स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपको उनकी खुद की फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टिकर्स के रूप में आपको भेजा होगा, तो ऑब्वियसली आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इन स्टिकर्स को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने खुद के कुछ व्हाट्सएप स्टिकर्स तैयार किए हैं। यहाँ पर मैंने मेरे चैनल के लोगों का और मेरे खुद के फ़ोटो का यहाँ पर व्हाट्सएप स्टिकर तैयार कर लिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर मेरे फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये व्हाट्सएप स्टिकर मेरे फ्रेंड को सेंड हो जाता है। अगर आप इस तरह से व्हाट्सएप का स्टिकर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप के जो स्टिकर्स होते हैं वो PNG फॉर्मेट के अंदर होते हैं। अगर आप किसी भी फोटो को व्हाट्सएप के स्टिकर्स के रूप में भेजना चाहते हैं तो आपको उसे PNG फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। एप्लीकेशन आपको इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक कर आप जो चाहे वो फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी खुद की एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड इरेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इस तरह से इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं और आपके फ़ोटो को PNG फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर इसे अपने गैलरी के अंदर सेव कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन यूज़ करने में काफ़ी आसान है। थोड़ी देर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे आसानी से यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गैलरी के अंदर मैंने जो फ़ोटो सेव की थी वो यहाँ पर PNG फॉर्मेट के अंदर सेव हो चुकी है। आपको इस तरह से 3 फ़ोटो किसी भी फोल्डर के अंदर सेव करनी है। उसके बाद आपको और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर मैंने जो भी फ़ोटोज़ अपने गैलरी के अंदर सेव की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर नीचे सिंगल फ़ोटोज़ है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल फ़ोटो के सामने ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करने के लिए कम से कम आपके फोल्डर के अंदर 3 फ़ोटोज़ होने चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर 3 फ़ोटोज़ है, तो यहाँ पर मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। तो बस हो गया। जैसे आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अपनी चैट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टिकर्स के अंदर एक ग्रीन डॉट दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जितने भी फ़ोटोज़ यहाँ पर इंपोर्ट किए थे वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर टैप करना है और आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपके फ्रेंड को सेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टिकर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। स्टिकर्स को बनाने के लिए मैंने जो भी एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक्स।